हैं अगली खबर की ओर। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने की खबर जैसे ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को लगी तो कैथल के पिहोवा चौक पर इकट्ठा हुए और ढोल बजाकर मिठाई बांटी। अरविंद केजरीवाल के जिंदाबाद के नारे लगाए। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा कि ईडी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं दिखा पाई। कहा कि आज भारत की राजनीति के लिए खास दिन है और हमें कानून व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। मैं विश्वास है कि अरविंद केजरीवाल सच्चे थे और सच्चे हैं। कैथल से संदीप बागड़ी की रिपोर्ट। आज बुराई पर सच्चाई की जीत हुई है। अरविंद केजरीवाल को परमानेंट जमानत मिली है। जिस अरविंद केजरीवाल को मार्च के महीने से एक झूठे केस के अंदर ईडी ने फंसाने की कोशिश की, एक नया पैसा वो बरामद नहीं कर पाई। आज ईडी के वकील कोई दलील नहीं देश के इस बात की कि अरविंद केजरीवाल को क्यों गिरफ्तार किया गया है। सिर्फ इलेक्शन को प्रभावित करने के लिए अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। आज अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है। पूरे देश के अंदर इस बात की खुशी है। मिठाइयां बांटी जा रही हैं, पटाखे बजाए जा रहे हैं और अब आने वाले समय में देश की राजनीति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, क्योंकि सच्चाई की बुराई पर विजय हुई है। तो अभी किस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, क्या जश्न है, क्या विशेष है? आज पेवा चौक के ऊपर, कैथल में पेवा चौक पर कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं और मिठाइयां बांटी गई हैं, यहां पटाखे चलाए गए हैं इस खुशी में कि अरविंद केजरीवाल जी आज जमानत पर बाहर आए हैं और ईडी कोई जवाब नहीं दे पाई। तो क्या भविष्य देखते हैं राजनीति का, क्या कुछ मायने हैं केजरीवाल के बाहर आने से, क्या परिवर्तन होने जा रहा है? 3 महीने के बाद चुनाव होने हैं।